Hi, this is Tanu here. Welcome to my channel, Tropical Penguin. If you really like my videos, please subscribe to my channel, which is free of cost. Don't forget to click the bell button for latest updates and at the end, do click the like button. Thank you. Hi, दोस्तों, मैं आपको आज एक बंगाली डिश बनाना सिखाऊंगी जिसका नाम है इलिश भापा. ये स्टीम्ड हिलसा होता है. इसमें हम इलिश मच्छी को स्टीम करते हैं. आप ओवन में भी बना सकते हैं. मैं कंटेनर में बना रही हूँ. इस रेसिपी को हमें बनाने के लिए चाहिए हिलसा मच्छी, ग्रीन चिल्ली, सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, मस्टर्ड यानी सरसों, और सरसों की तेल भी हमें चाहिए होगी इस रेसिपी को बनाने के लिए. इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सरसों को पहले पानी में 10 मिनट तक भिगो के रखना है. पहले हम सरसों को जिस पानी में हमने सोक किया था वो पानी को हम फिल्टर कर लेंगे और फिर हम सरसों और हरी मिर्च का एक पेस्ट बनाएंगे. आप थोड़ी पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस दौरान. अब आप एक स्टील की टिफिन बॉक्स ले लें. मेरे पास एक पुराने टिफिन बॉक्स थे, मैंने उसे में बनाया है. और उस टिफिन बॉक्स पे आप अपने फिश को मैरिनेट करें विद मस्टर्ड पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और मस्टर्ड ऑयल. देखिए, रेड चिल्ली पाउडर ऑप्शनल है. ये आपको अगर थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है तो आप खा सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और आप सिर्फ ग्रीन चिल्ली से भी बना सकते हैं. मैरिनेटेड फिश को 10 मिनट तक आप रख दें. अब आप एक वेसल ले और उसमें पानी गरम उबालें. जब पानी उबल जाए तो आप उसी पे स्टील की टिफिन 10 मिनट के लिए आप मीडियम आंच पे इसे पकाएं. 10 मिनट बाद आप गैस को बंद कर दें और भी 10 मिनट के लिए आप रख दें. 10 मिनट बाद अब टिफिन बॉक्स को बाहर निकाल दें. बी केयरफुल एट दिस स्टेप. टंटनान, भापा इलिश इज रेडी. अब आप स्टीम राइस के साथ इसे सर्व करें. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन पे अपनी रिव्यूज बताएं और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो. Bye, take care.